साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज साथियों मैं बात करूंगा, लगभग एक महीने पहले मैंने आपको चैलेंज में एक वीडियो डाला था। वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, आप होगी ईमानदार एजेंटों की भरमार। आप लोगों के सहयोग से अच्छे ईमानदार लोग मिलेंगे। मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये वीडियो आपके जितने भी सर्किल में एजेंट हैं, जितने भी आपके आस पड़ोस में जानकार, उनको वीडियो शेयर कीजिए। अगर वो मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं वीडियो उनका फ्री में प्रमोट करूंगा। शर्त ये रहेगी कि सच्चाई के साथ 100% आपका काम होना चाहिए। तो मैं बता दूं, आज एक महीने में लगभग 8000 आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों ने शेयर भी किया होगा, मुझे नहीं पता इस बात का। 726 इसमें लाइक आए हैं, 44 इसमें, 45 इसमें डिसलाइक आए हैं। जी हाँ, यानी रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लेकिन मैं बता दूं एक भी बंदे ने आज तक एजेंट ने मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। 8000 लोग वीडियो देख चुके हैं। इसका रीजन क्या भाई, ये वीडियो मैंने इसलिए डाला था कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर ये आप 2-3 लोगों के ही वीडियो क्यों डालते हो, और लोगों के वीडियो क्यों नहीं डालते, तो भैया करो ना मेरे से कॉन्टेक्ट, क्यों नहीं करते आप लोग। 8000 लोगों ने एक महीने में वीडियो देखा है, साला एक आदमी नहीं मिला, एक भी डंका अच्छा एजेंट नहीं मिला जो मेरे से कॉन्टेक्ट करके और अपना परफॉर्मा मेरे सामने रख के मेरे से वीडियो प्रमोट करवा सके। काम सब एजेंट करते हैं। 2000 एजेंटों से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप में, लोगों से 2000 एजेंट है मेरे पास, मैं उनके साथ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपना प्रपोजल रखें या मेरे से मीटिंग करें कि सर हमारे पास ये वैकेंसीज आती हैं, हम अच्छे से काम करेंगे या मेरे साथ वो अग्रीमेंट कर सकें। मैंने क्या बोला, वीडियो फ्री प्रमोट करूंगा, एविडेंस दिया, सबूत दे दिया यार कि वीडियो में बोल रहा हूं कि वीडियो फ्री में डालूंगा, फिर भी आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब क्या है भैया, आप समझ लो समझदार आदमी हो, क्योंकि इसका मैं बता दूं कि जो सही काम करते हैं ना उनको जरूरत नहीं होती, उनके पास ऐसे लोगों की जरूरत होती है। जो गलत करेंगे वो हम जैसे लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अपना काम ही गलत है, अपन किसी का काम सही नहीं कर सकते, कल को दिक्कत हो जाएगी, लट गाड़ देंगे अगली, समझ रहे हो बात को, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कॉन्टेक्ट करने की। एक दो एजेंट फोन करते हैं, आपके 2 लाख होते हैं आप एजेंट बन जाओगे, ये बन जाओगे, मतलब उनको ये पूरा सिस्टम वो देखते हैं, उनको पूरी कहानी समझ में आ रही है कि अपनी तो दुकान बंद करवाने पे। अब मेरी अभी सुबह एक एजेंट से बात हुई, आप तो अपना प्रमोशन कर रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, 1100 रुपये लोगों से ले रहे हो, आप बोलते हो कि मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, ऐसा वैसा कहने, मतलब आप थोड़े और सब्सक्राइबर बढ़ते आप अपनी ऑफिस खुद खोल लोगे। मैंने उनको चैलेंज किया, भाई जिस दिन ये काम हो जाए ना तो मेरे पास आना, लाइव बात करेंगे अपन, ठीक है। मेरा कोई टारगेट नहीं है आगे ऑफिस खोलने का, मेरा यही टारगेट है जो चल रहा है इसी को थोड़ा सा बड़ा रूप देंगे अपन, इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एजेंटों के दिमाग से ना गलत निकाल दो। अब आज पता लगा कि एजेंट भी मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि एक बंदे से मेरी बात हो गई, उसने ये बोला कि आप एजेंट बनोगे, समझ रहे हो। तो भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एजेंट बनने का शौक नहीं है, और मुझे पता है कि ये एजेंट होता है झूठ बोलने वाला काम, और वो मेरा काम नहीं रहेगा। मैं सच्चाई के साथ इसी सिस्टम पे इसी पे चलेंगे, लेकिन उसको चेंज करके एजेंट नहीं बनना, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या होने वाला आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। वो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद करूंगा, ये तय बात है। मैं जो भी बोलता हूँ वीडियो में लाइव आके बोलता हूँ, मैं पीछे से नहीं बोलता, फीस लागू करी मैंने लाइव आके बोला, ठीक है। मैंने 1100 रुपये वाला आपको वीडियो डाला, मैंने लाइव आके बोला, हर चीज जो भी मेरे मन में होती है आप लोगों की। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को काम सिखाने का एक ट्रेंड सेंटर, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेंडिंग सेंटर होता है, ट्रेड सेंटर जहाँ पे काम सिखाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा एडेड होता है, वो उसमें एक डिप्लोमा मिलता है, वो भी मैंने वीडियो बना दिया, अभी शूट कर देंगे आपको, बनाया हुआ है, जैसे मैं टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को डाल दूंगा, आपको अच्छा लगे तो उसमें भी मुझे बताना, मेरे जो मन में होता है क्लियर कर देता हूँ। अच्छा लगे तो आप बताओगे, बुरा लगे तो आप बताओगे। एजेंटों से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, उनका दुकान बंद हो रहा है वो मुझे पता लग गया, क्योंकि मेरे पास 2-3 एजेंटों को कॉल आया, आज सुबह ये कॉल आया, झूठ तो झूठ कोई नहीं, उन बातों में क्या रखा है, फालतू की बातें में हो जाएंगी वो। तो साथियों आप कोई भी ईमानदार एजेंट मुझसे आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए आप बोलते हो ना कि आप दूसरे एजेंटों किसके डालूं भाई वीडियो, मुझसे कॉन्टेक्ट तो करें, ऐसे किसका डाल दूं, ऐसे तो दो मेरे मोबाइल पे कम से कम 100 से 200 वैकेंसी रोज आती हैं, जो यूरोप से कनाडा सिंगापुर जापान ऑस्ट्रेलिया तुरंत भेज देते हैं वो, ठीक है। लेकिन जब देखते हैं ना तब कुछ नहीं मिलता, सच्चाई कहां है, कहीं नहीं होती। अगर सच्चाई होते तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो ना, वो पूरी एक साल में जितने बंदे नहीं मिलते उतने में उसको एक महीने में दे रहा हूं ना, आप लोग है ना, आप लोग चले जाओगे उनके पास, लेकिन कहाँ है, काम नहीं है, झूठ बोलने का धंधा है, समझ गए बात को। फिर भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, कोई ईमानदार हो तो मेरे से मीटिंग करें, फ्री में वीडियो प्रमोट करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती किसी से, क्योंकि ये तो काम ही ऐसा ही है। और साथियों एक मैं बता दूं, जो मैंने बोला था कि मैं 1100 रुपये लूंगा, तो यार मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा उस काम में। 1100 रुपये वाली फीस मैंने बोल दी थी, और आपके 99% क्या 100% ही पॉजिटिव आंसर हैं,
लेकिन यार मेरा दिल कहीं ना कहीं से मना कर दिया कि यार ये काम गलत है, आप फीस मत लो। तो भाई मैं फीस नहीं लूंगा आप लोगों से, वो वीडियो डाल दिया, आपकी राय लेनी थी, आपकी राय अच्छी लगी, आप ऐसे ही जितनी मेरे से होगी हेल्प मैं ऐसे ही करूंगा बिना पैसे लिए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे।